एक लड़का जो कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता, वो एक दिन एक लड़की से मिला जो लड़की उसे जाने देने के लिए रेडी नहीं थी। इनका वन नाइट स्टैंड एक ऑब्सेशन के खेल में बदल चुका था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैड मैच 2017 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके एंडिंग के ट्विस्ट के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हैरिस को देखते हैं। वो एक डेटिंग ऐप थ्रू आज एक डेट के लिए आया हुआ था। वो उस लड़की से मिलता है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही अच्छा है। उस लड़की को जो ड्रिंक पसंद आता है उसे गेस करने की एक्टिंग करता है। इन दोनों में बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हुए और रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बीच रात में हैरिस उस लड़की के घर से उठकर जा रहा था। उस लड़की की भी नींद खुल गई। वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हैरिस ने कहा कि कल मुझे जल्दी काम है तो मुझे घर पर जाना पड़ेगा। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। पर हैरिस कभी भी उसे कॉल नहीं करने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम हैरिस को फिर से उस ऐप पर देखते हैं। हैरिस का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिसके साथ वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता है। ये दोनों बहुत ही कॉम्पिटेटिव है। इन दोनों की कभी भी जमती नहीं पर फिर भी एक दूसरे से मैच लगाते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हैरिस को उसके ऑफिस में देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट था पर उसके अकाउंट के लिए वो और उसका फ्रेंड इन दोनों में कॉम्पिटिशन था। इन दोनों ने प्रेजेंट किया पर बॉस ने आकर ये प्रोजेक्ट हैरिस को दिया। अब हैरिस को क्लाइंट के लिए अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। हैरिस अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ आज रात एक बार में आया हुआ था। उसके सामने वो डेटिंग ऐप में स्वाइप कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है, तुम इतनी सब लड़कियों को स्वाइप राइट क्यों करते हो। हैरिस ने कहा कि बहुत सारी लड़कियां होती है, अगर मैंने 100 लड़कियों को किया तो उसमें से 10 मुझे रिप्लाई देगी और उसमें से एक लड़की के पास मेरा काम बनेगा। उसके फ्रेंड को ये सब बातें सही नहीं लगती। वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था और जो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। वो चाहता था कि हैरिस की भी एक स्टेबल गर्लफ्रेंड हो पर हैरिस हमेशा कोई ना कोई रीजन से अपनी गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट कर देता है। वो आज रात भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। अगले दिन ऐप में उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखती है जिसका नाम था रायली। रायली को एक गेम पसंद था जिसके बारे में हैरिस और भी चीजें जान लेता है। ये दोनों जब मिले तो रायली का भी ड्रिंक उसने गेस किया। वो इस बात से इम्प्रेस्ड हो गए। रायली का जो फेवरेट गेम है इसके बारे में वो बात करता है। इसे कनेक्ट हो पाए थे। इसी बार में रायली के फेवरेट बैंड का भी सॉन्ग चल रहा था। ये बात जब वो हैरिस को बताती है तो हैरिस ने कहा कि ये तो हमारे क्लाइंट्स है, मैं हम दोनों को बैक स्टेज लेकर जा सकता हूँ। रायली इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अचानक से रायली को अपने फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने उसकी बहुत ही पुरानी पिक लाइक की है। अब उसे जेलस फील कराने के लिए वो हैरिस के साथ एक फोटो लेती है। उसे वो पसंद आया था तो रात में दोनों इंटीमेट हो गए। आज भी बीच रात में उठकर हैरिस यहाँ से जा रहा था तो रायली कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, आज रात यहीं पर रुक जाओ। हैरिस कहता है कि कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। रायली कहती है, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। हैरिस कहता है कि मुझे शॉवर वगैरह लेना पड़ेगा। रायली ने कहा कि तुम यहाँ भी ले सकते हो। हैरिस अलग अलग बहाने बना रहा था पर रायली उसे जाने देने के लिए रेडी नहीं थी। पर वो फाइनली यहाँ से चला गया। उसे रायली बहुत ही क्लिंगी लगती है। अगले दिन जब वो अपने क्लाइंट के प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था तो रायली के उसे बहुत सारे मैसेजेस आए। उसे कॉल करने की भी कोशिश करती है पर वो किसी को भी पिकअप नहीं करता। फाइनली रायली ने अपनी एक पिक्चर उसे भेजी। ये पिक्चर हैरिस को पसंद आई और उसे अपने घर पर बुला लेता है। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। अगले दिन हैरिस बहुत ही लेट हुआ पर उसी दिन उसका प्रेजेंटेशन था। उसने अलार्म तो लगाया था पर ये बजा ही नहीं। ये सब बात जब वो रियलाइज करता है तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके फ्रेंड का भी उसे कॉल आ रहा था। क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो गया। उसके फ्रेंड ने अपना प्रेजेंटेशन उसे दिखा दिया। रायली भी उठकर ये सब चीजें देखती है और उसने कहा, शायद मैंने नींद में तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया था। हैरिस इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हैरिस को जल्दी से घर से निकलना था पर रायली के ऊपर आने तक जरा वेट था तो कहती है, तुम चले जाओ और मैं बाद में चली जाऊंगी, मैं डोर को लॉक कर लूंगी। वो भी उसकी बात मानकर ऑफिस आ गया। उसके बॉस को सारी सिचुएशन समझाता है पर उसके बॉस ने उसका जॉब अब उसके फ्रेंड को दे दिया था। आज पूरे दिन रायली ने हैरिस को बहुत सारे मैसेज किए थे पर उसने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया। जब वो घर पर पहुंचता है तो रायली ऑलरेडी घर पर ही थी। उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। रायली ने उसे कहा, मैंने तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, तुमने मुझे आंसर ही नहीं किया। रायली के हाथ में चाकू था तो हैरिस इसे डर जाता है, उसे सॉरी कहता है। उसने कहा, इस छोटी सी बात से किसी को भी हर्ट होने की जरूरत नहीं है। रायली रियलाइज करती है कि उसके हाथ में चाकू है और वो हंस देती है। उसने कहा कि मैं घर पर गई नहीं थी, मैंने सोचा कि आज रात हम डिनर करेंगे। हैरिस को ये बात पसंद नहीं आई थी। रायली को भी समझ गया। वो भी अपसेट हो गई और कहती है कि एक बहुत ही बैड आइडिया था। रायली को बहुत बुरा लगा तो हैरिस कहता है कि आज रात मैंने डिनर कर लिया है पर ये डिनर मैं कल रात करूंगा। रायली फिर उसके पास आई और कहती है कि शायद मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ। हैरिस ने भी उसका दिल रखने के लिए कहा कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। आज रात फिर से हैरिस अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ गेम्स खेल रहा था। ये दोनों फिर से एक दूसरे को गालियां देते हैं। गेम खेलते हुए भी हैरिस को रायली का कॉल आ रहा था जिसे वो इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में था तो हैरिस फिर से रायली को इग्नोर कर रहा था।
हैरिस के रिसेप्शन पर उसके लिए कॉल आया। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुम्हारी मदर का कॉल है। हैरिस ने जब ये उठाया तो रायली थी। उसे कहती है कि आज रात उस बैंड का कंसर्ट है, अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। हैरिस कहता है कि तुम्हें मुझे एक दो दिन पहले बताना चाहिए था, तो मैं कुछ कर सकता था। रायली फिर उसे कहती है कि हम डिनर वगैरह कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, पर हैरिस इसके लिए मानता नहीं। उसने कहा कि आज रात मैं बीमार हूँ, तुम्हारे साथ मैं डेट पर नहीं आ सकता। रात में हैरिस अपने फ्रेंड के साथ बार में गया। उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें एक स्टेबल गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम इस तरीके से हर लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते, ये सब बहुत ही गलत है। हैरिस कहता है कि डेटिंग ऐप पर जो भी लड़कियां होती है वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है, मैं उनकी लाइफ में जरा एक्साइटमेंट लाता हूँ, वो जो भी करता है उसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। ये सब बातें पीछे खड़ी होकर रायली सुन रही थी। वो इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। हैरिस की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जब बार में आई तो उसने इसकी पिक्चर फेसबुक पर डाली थी और हैरिस को भी टैग किया था, इसी वजह से रायली को इसका एड्रेस मिल गया। हैरिस ने जो भी कहा इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं। वो चाहती थी कि वो मर जाए। गुस्से में यहाँ से वो चली गई। रात में हैरिस को सपना आता है कि उसके घर में आकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी, पर यह सिर्फ एक सपना था। अगले दिन हैरिस अपने फ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पर गया। जब वो वापस आया तो रायली के उसे बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। हैरिस का फ्रेंड उसके मैसेजेस चेक करता है तो रायली ने कहा था कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। हैरिस के फ्रेंड ने उसे कहा कि जल्दी से जाओ और उसे बचा लो। हैरिस कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी ट्रिक है, पर फ्रेंड कहता है कि अगर ये सच हो तो ये बहुत बड़ा ट्रबल होगा। हैरिस भी डर गया और रायली को कॉल कर देता है। उसने उसका एड्रेस लिया। उसके घर पर जब वो पहुंचा तो रायली बेहोश होकर पड़ी हुई थी। हैरिस उसके लिए बहुत ही डर जाता है। रायली अचानक से हंसने लग गई। वो कहती है क्या अब तुम्हें पता चला कि किसी को फूल बनाना कैसा लगता है। हैरिस गुस्से में चला जाता है। अगले दिन जब वो काम पर आया तो उसकी बॉस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। कल रात हैरिस ने कंपनी के ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे मैसेजेस डाले थे जिसमें लिखा था कि मेरी बॉस बहुत ही घटिया है, मैं जहां पर काम करता हूँ वो प्लेस भी बहुत घटिया है। हैरिस इस बात को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि ये सब रायली ने किया। अपने बॉस को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है पर बॉस मानती नहीं, उसने उसे फायर कर दिया। हैरिस डिस्टर्ब होकर रात में ड्रंक होकर सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसके डोर पर पुलिस आए थे। उनके पास उसका लैपटॉप सर्च करने का सर्च वारंट था। उसे बताया जाता है कि कल रात तुमने अपने लैपटॉप से छोटे बच्चों के पॉर्न को डाउनलोड किया था। हैरिस के खिलाफ बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे थे। हैरिस अपने लॉयर से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब रायली कर रही है, मुझसे अपसेस्ड है, कल मेरे ट्विटर अकाउंट से भी उसने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे। लॉयर कहता है कि ट्विटर की बात अलग है, जो कल रात हुआ इसके लिए तुम्हारे कंप्यूटर को किसी ने हैक किया था, शायद तुम्हारे घर में कोई आ सकता है। हैरिस पूरी तरीके से श्योर था कि इसके पीछे रायली ही है। लॉयर कहता है कि अगर तुमने रायली पर केस डाली और अगर तुम इसे प्रूव नहीं कर पाए तो तुम्हें 5 साल जेल होगी। इसका अल्टरनेट ऑप्शन यह है कि अगर तुमने गिल्टी प्लीड कर दिया तो तुम्हें सिर्फ फाइन देनी पड़ेगी। ये फाइन भी बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी हैरिस को पे करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड की हेल्प से हैरिस को बेल मिल गई। उसके साथ जो भी हुआ ये सब बातें वो अपने फ्रेंड को समझाता है। उसे लग रहा था कि रायली के पास जाकर उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके घर पर पहुंच गया, कहता है मैं सिर्फ तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ये बहुत ही घटिया था, मैं सबके साथ बहुत बुरा कर रहा था, तुम मुझसे मिली तो तुमने मेरी आँख खोल दी, मैं अब फिर से वो आदमी नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। रायली ने भी उसे माफ कर दिया। हैरिस का प्लान था कि अगर उसे सब कुछ सच बताएगा तो रायली भी कन्फेस कर देगी। रायली कहती है कि मैं भी सॉरी हूँ, मुझे सुसाइड का स्टंट नहीं पुल करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बहुत बुरी चीजें की, इन सारी चीजों के लिए सॉरी कहती है। हैरिस कहता है क्या तुम और कुछ मुझे बताना चाहती हो। रायली कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। हैरिस ने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा जॉब गया, तुमने मेरे पीसी पर वो पॉर्न डाउनलोड किया, इस वजह से मुझे बहुत बड़ी फाइन लगेगी, क्या तुम कन्फेस नहीं करना चाहती। उस पर बहुत गुस्सा हो गया था। रायली कहती कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हैरिस गुस्से में रायली को मारने भी वाला था पर रायली जोर से चिल्लाए, उसके रूममेट आए तो हैरिस यहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद रायली ने उसके खिलाफ एक रिस्टैंडिंग ऑर्डर डाल दिया था। हैरिस का लॉयर उसे कॉल करता है और कहता है कि प्लीज इस तरीके से कोई भी चीज अब मत करो, तुम्हें गिल्टी प्लीड करने के लिए सिर्फ 2 दिन है, इस 2 दिनों में कुछ भी मत करना। हैरिस इस बात को मानने नहीं वाला था। रायली हमेशा अपनी सब फोटोज फेसबुक पर डालती है, इस वजह से हैरिस को अब वो कहा है इसकी लोकेशन उसे पता चल गई थी। उसने एक अलग फोटो यूज कर डेटिंग अकाउंट बनाया। रायली के जो भी इंटरेस्ट है यही अपने बायो में लिखे थे, उसके पास था तो उससे वो मैच हो जाता है। आज रात एक बार में वो मिलने वाले थे। इस बार में जाकर रायली के ड्रिंक में वो नशे की गोलियां मिला देता है। रायली जब बेहोश हुई तो अपने स्टूडियो में उसे वो लेकर आया, उसके हाथ पैर उसने बांध दिए थे। रायली बहुत ही डर गई थी, कहती कि प्लीज मुझे जाने दो। हैरिस ने कहा कि पहले तुम्हें सब कुछ चीजें कन्फेस करनी पड़ेगी, पहले से हम किस तरीके से मिले थे, किस तरीके से तुम मुझे स्टॉक कर रही थी, मेरे ट्विटर अकाउंट और मेरे पीसी पर के पॉन के बारे में सब कुछ तुम्हें कन्फेस करना पड़ेगा, ये सब कुछ चीजें तुमने ही की थी, पुलिस के पास जाकर तुम कहोगी कि ये सारी चीजें तुमने ही की थी। रायली बहुत ज्यादा डर गई थी तो इस बात के लिए वो मान जाती है।
रायली कहती कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ, मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगी। हैरिस ने कहा कि मेरे सामने स्मार्ट मत बनो, तुम सारी चीजों को डिनाई कर दोगी। वो कैमरा निकाल कर उसका कन्फेशन शूट करना चाहता था। रायली ने कहा कि यहाँ मैं बंदी हुई हूँ, मेरा चेहरा भी बहुत ही खराब है, पुलिस को लगेगा कि तुमने मुझे जबरदस्ती लिया था। मुझे वॉशरूम लेकर चलो जहां पर मैं जरा रेडी हो जाऊंगी। हैरिस को भी बात सही लगी। रायली ने हॉट वाटर चला दिया था और सिंक को बंद कर दिया। हैरिस का जब ध्यान नहीं था उसे वो जोर से मार दिया और उस पानी में डुबा देती है। इससे हैरिस का फेस जल गया था। हैरिस जैसे ही बाहर आया तो रायली उसे जोर से दंडा मारती है। वो भाग पाती इससे पहले हैरिस ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उसे गला घोटकर मार रहा था। रायली ने डायरेक्टली उसकी आंख ही फोड़ डाली। वो उसे डंडे से बहुत मार दिया, वो बेहोश हो गया था। जब रायली ने बाहर आने की कोशिश की तो स्टूडियो बंद था। वो पीछे मुड़ी तो हैरिस उसके पेट में चाकू मार देता है। उसने रायली से कहा कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए था। रायली की यहीं पर डेथ हो जाती है। हैरिस को तभी अपने लॉयर का कॉल आता है। लॉयर ने कहा कि तुम्हारे सब चार्जेस विड्रॉ हो चुके हैं। तुम जिस लड़के से ऑनलाइन गेम खेलते थे वो तुम पर जरा गुस्सा हो गया था, उसने ही तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर सब चीजें डाउनलोड की थी, तुम्हारा ट्विटर अकाउंट भी उसने यूज किया था। उस लड़के के मदर को जब पता चला तो उसने सब कुछ उससे कन्फेस करवाया था। हैरिस को सिर्फ गलतफहमी हुई थी कि रायली ने सब कुछ किया है। जब वो फोन रखता है तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रायली के साथ देख लेता है। उसने पुलिस को कॉल कर दिया और हैरिस को रायली के मर्डर के लिए अब सजा होगी। यही पर मूवी एंड हो जाती है। अगर हम देखें इन लड़कियों के साथ जो भी करता था इस वजह से उसे गिल्टी लगता था। वो हमेशा डरता था कि कभी ना कभी कोई लड़की उसे स्टॉक करेगी, उसे बदला लेगी। जब रायली उसे मिली तो रायली को पसंद आया था, इसी वजह से इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहती थी। वो हमेशा उसे कॉल करती थी तो हैरिस को लगा कि उसे स्टॉक करेगी। उसके साथ जो भी हुआ इसके लिए रायली को ही दोषी मानता गया और इसी वजह से उसका ऑब्सेशन बढ़ता गया। फाइनली उसने बहुत ही गलत स्टेप उठाया, इस वजह से अब उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं।